हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने स्मैक की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक भी बरामद कर ली गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में कोतवाली रानीपुर और सीआईयू हरिद्वार की संयुक्त टीम ने सुभाष नगर ज्वालापुर से किराए पर रह रहे आरोपी अनुराग के कब्जे से कमर्शियल क्वांटिटी 272 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में तकरीबन 27 लाख रुपए आंकी गई है। हरिद्वार से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो खासकर देवभूमि में नशे के विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हमारे एसपी जो क्राइम है उसने भी कार्यभार भी ग्रहण किया था। तो नशे के विरुद्ध एक लगातार एक मुहिम में सीआईयू और हमारी रानीपुर की पुलिस लगातार वॉच कर रही थी कुछ लोगों को, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से ये काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक इसमें प्राप्त हुई है, और उसमें इसके खिलाफ जो NDPS की जो संबंधित धाराएँ हैं उसमें मुकदमा कायम किया गया है। और उसमें जो इसका भाई जो इसमें इसकी मदद कर रहा था अभिषेक, वो अभी फरार चल रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग जो आवश्यक साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं और उसमें आवश्यक कार्रवाई किए हैं।